नमस्कार। आज हम देख रहे हैं खोया खोया चांद। इस गाने का ट्यूटोरियल स्केल ई फ्लैट, तो काली एक के फ्लूट पर काली दो को मतलब रे को सा बनाएंगे। और ट्यूटोरियल पे आगे बढ़ने से पहले एक इस गीत का एक किस्सा है। इस गीत के गीतकार है शैलेंद्र जी उस समय, और ये गीत है एच डी बर्मन जी का। और एच डी बर्मन जी ने जब इस गीत का धुन बनाया तो इसके लिरिक्स नहीं थे, और शैलेंद्र जी इस गीत के गीतकार हैं, तो उनके पास उस समय समय नहीं था। शंकर जय किशन इनके साथ वो गीत करने में व्यस्त थे, तो आर डी बर्मन जी को एस डी बर्मन जी ने शैलेंद्र जी के पीछे पूरा दिन लगा दिया कि इनके साथ रहना, जब तक गाना पूरा लिखा नहीं जाए तब तक इनको छोड़ना नहीं। तो पूरे दिन जैसे शैलेंद्र जी शंकर जय किशन जी के यहाँ काम करते रहे, तो रात हो गई, तो आर डी बर्मन तो इनका पीछा छोड़ने वाले थे नहीं जब तक कि गीत पूरा लिखा नहीं जाए। तो शैलेंद्र जी और आर डी बर्मन चले गए जुहू बीच पे, और रात के समय में क्या लिखे क्या सुझा, तो सिगरेट निकालने को कहा, माचिस निकालने को कहा, और सिगरेट और माचिस के जो बॉक्स थे रात के समय उनको जो सूझा, वो उन्होंने उस सिगरेट और माचिस के कागज पर बॉक्स पर वो गीत लिखा, खोया खोया चांद खुला आसमान। तो चलिए इस गीत का आज ट्यूटोरियल देखते हैं। जैसे पहले ही बता दिया, काली एक के फ्लूट पर रे को सा बनाते हुए हम गाने पे आगे बढ़ेंगे। तो गाने का शुरुआत गाने का साइन के पहले हो, गिटार का जमाता है जन 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 जम दसा रे सा रे सागर साधन ध ध ध प ध ध प म रे ध प म ध ध ध प ध ध प म रे ध सारे दसारे सागरे। आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। दसारे सागरे रे सागर साध ध ध ध प ध ध प म रे ध प म ध ध ध ध प ध ध प म रे ध सारे दसारे सागरे। पूरा साइन दो बार रिपीट होकर खोया खोया चांद यहां तक छुटेगा, मतलब दसारे सागरे। फ्लूट का पार्ट ध, अच्छा गाने का ध है लेकिन फ्लूट का नहीं आएगा, नी सारे सा नी ध प म, अभी मध्यम तीव्र है। मगे मा पर धसा नी ध धसा नी ध प मगरी। अब देखते हैं अंतरा। गाने के साइन में मध्यम फ्लूट का, गाने के साइन में मध्यम शुद्ध था, अभी तीव्र लगेगा। रे मा मध मा रे मा नी ध रे मा मध मा रे मा नी ध रे प पनी नी रे प सानी।
मतलब इसको तीन हिस्से में अगर देखे तो पहला रे मा मध मरे मा निध, ये सेकंड टाइम रे मा मध मरे मा निध, थर्ड रे प पनी नी रे प सानी, और फोर्थ, फोर्थ जो है पहले जैसा। ग सा ग प म ग रे, ग सा ग प म ग रे, फिर इसके बाद वापिस साइन पे आने के लिए मधरे सारे, रे से ध का एक मिट जाएगा है ना, मधरे सारे, फिर से साइन खोया खोया चांद, जैसे हमने पहले देखा है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। नए मेहमान यहाँ वहां से आ ही जाते हो, आ ही गए हो तो वेलकम, सब्सक्राइब करके जाना ताकि हम रेगुलरली मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। धन्यवाद।